बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव नाराज हैं और उनकी नाराजगी के पीछे की जो वजह है वो कहीं ना कहीं पिछली सरकार के क्रियाकलाप कार्यशैली रही है। अब तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जिसको जहां जाना है जाए। नीतीश कुमार के पास तेजस्वी की शिकायत लेकर डॉक्टरों की टीम पहुँची थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों डेंगू को लेकर जो बिहार में हालात बिगड़े हैं, तेजस्वी वही मसले को लेकर NMCH में गए थे और वहाँ जो अधीक्षक थे और साथ ही जो बड़े ऑफिसर थे उन पर गाज गिरी। उन्हें डेंगू वार्ड के बारे में पता नहीं था और इसको लेकर निलंबन भी हुआ है। उस निलंबन के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर भी लिखा गया है। साथ ही मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शिकायत नीतीश कुमार से भी की है और इसको लेकर तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसको जहां जाना है जाए, हमने कार्रवाई की है, हमने गलत पाया है और बिहार की जनता के लिए जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया है। पूरे बयान को सुनिए। यार भाई, एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का ना पक्ष रखेगा। लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई। भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए जरा, आप जो गलत डॉक्टर है तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते हैं, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ, जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं भाई। आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर, 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया, क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करनी चाहिए? वो तो हम आकर के ना कार्रवाई करें, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का आया कि हल्ला मचाओ। और देखिए, हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े रहे। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीज़ों पर। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। ललन सिंह के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी खबर, एक बड़ा ऐड सामने आया है। इधर आने दीजिए कि आप जल्दी मुख्यमंत्री लोगों को उसमें नामित किया गया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पन्ने का ऐड दिया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और 10 बड़े ऑफिशियल्स, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, उनके खिलाफ अमेरिका में इकोनॉमिक सैंक्शंस की मांग की जा रही है। नहीं नहीं, हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं देखते। बिना जानकारी की कोई बात कहना ठीक नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट करी 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट करी 9386816700। धन्यवाद।